भारतीय जनता पार्टी, महिला मोर्चा की कौशल्य विकास कार्यशाला के लिए जिसका अभी समापन हो रहा है जिनके हाथों से, ऐसे भारत सरकार के कौशल विकास के मंत्री आदरणीय राजीव प्रताप रूडी जी, माननीय अनिल जी और सभागार में उपस्थित सभी प्यारी बहनों, आज आदरणीय राजीव प्रताप रूडी जी ने बहनों के लिए बहुत अच्छा समय निकाला है और वो आज हमें मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। उसी के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ और उनका बहुत स्वागत भी करती हूँ। भाई साहब, आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि देश के सभी कोने से, चाहे वो पश्चिम हो, दक्षिण हो, उत्तर हो, नॉर्थ ईस्ट हो या पूर्व हो, हर एक कोने से, हर एक राज्यों से प्रतिनिधित्व यहाँ पे हुआ है। हमारी बहनें यहाँ पर आई है, करीबन 200-205 बहनें इस कार्यशाला के लिए उपस्थित रही है और इसमें हमारी प्रदेश की अध्यक्षाएं हैं, प्रदेश की महामंत्री है, राष्ट्रीय पदाधिकारी है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य है और उन्हीं के साथ साथ हमारी कुछ प्रदेश की सरकार की मंत्री, उन्हीं के साथ सांसद, विधायक, मेयर और उन्हीं के साथ जिला पंचायत की अध्यक्षा भी यहाँ पर उपस्थित है। आज बस दो ही मिनट में जानकारी देने के लिए यहाँ पर खड़ी हूँ। सुबह 11 बजे से कौशल विकास कार्यशाला शुरू हो गई। मुझे बहुत खुशी होती बहनों आपको कहने के लिए कि जब भाई साहब के साथ बात हुई थी एक बार और मैंने उनको कहा था कि महिला मोर्चा ऐसा कुछ कार्यक्रम करना चाहता है, तो उन्होंने महिला मोर्चा का मेरा बहुत ही उत्साहवर्धन किया। उन्होंने मुझे कहा कि विजया जी, ये तो बहुत अच्छी बात है आप ये काम कर रही हो, क्योंकि इस देश की आबादी 50% आप महिला हो, तो उनके लिए तो हमारा डिपार्टमेंट काम करने के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है और आप ज़रूर ये कार्यक्रम करिए। उसके लिए जो भी हेल्प आपको लगती है, वो कोई भी हेल्प मुझे आप बताइए और उस कार्यक्रम के लिए मैं ज़रूर आऊँगा। भाई साहब, मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे कहा, उसके बाद हमने तैयारी शुरू करी और आपके डिपार्टमेंट से पूरा पूरा सहयोग इस कार्यक्रम को मिला। आपके मार्गदर्शन के अनुसार आपके डिपार्टमेंट ने पूरा पूरा सहयोग किया और आज सुबह से इस कार्यशाला का आरंभ हुआ। इस कार्यशाला के उद्घाटन के लिए आज हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय अरुण सिंह जी यहाँ पर आए थे और उन्होंने भी हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया, उन्होंने उद्घाटन किया। उसी के साथ साथ हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय कैलाश विजय वर्ग जी भी आए थे और उन्होंने भी संगठन के साथ रहते हुए किस तरह से सरकारी योजनाएं प्रभावी रूप में हम उनका अमल कर सकते हैं, इसके बारे में भी बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया और हमें सबको अनुरोध कर लिया। मुझे लगता है कि महिला सशक्तिकरण और कौशल विकास, ये दोनों विषय एक दूसरे के पूरक है और इसलिए महिला सशक्तिकरण की कल्पना तभी साकार हो सकती है जब बहनें स्वावलंबी हो सकती है और स्वावलंबी तभी बनती है जब उनके कौशल का विकास किया जाता है, जो हमारा स्किल डेवलपमेंट का विभाग कर रहा है, आदरणीय भाई साहब कर रहे हैं। इसीलिए कौशल की पहचान, उसी के साथ कौशल का विकास और कौशल का प्रमाणीकरण, ये तीनों चीज़ें आज भाई साहब कर रहे हैं। बहुत बढ़िया से काम आज हो रहा है और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से आज उन्होंने हमारी हिम्मत बढ़ाई है, मैं उनको आश्वासित करना चाहती हूँ कि देश की ये सभी बहनें 50% आबादी स्किल डेवलपमेंट में बहुत अच्छा अपना योगदान देगी और अपना काम करेगी। आज हमने अनेक अनेक विषयों को यहाँ पर हमने काम किया है, जैसे कि NSDC द्वारा और SGI द्वारा संचालित जो योजनाएं होती है उसके बारे में यहाँ पे अतिशय विस्तार से हमने जानकारी दी है। जो NSDC के जो जयकांत सिंह जी जो है हेड जो है डिपार्टमेंट के स्टेट के, उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी है। उसी के साथ साथ कौशल विकास के क्षेत्र में प्रोजेक्ट प्रारंभ करने हेतु लगने वाले दस्तावेजों की जानकारी एवं योजना एवं सरकार से मिलने वाला सहयोग, इसके बारे में एक पूरी टीम ने जानकारी दी थी, जो कि अनुज नारद जी, अतुल जी और सुचित वाहकर जी ने इसके बारे में हमें जानकारी दी है। उसी के साथ साथ बहुत अच्छी तरह से जिज्ञासा समाधान का भी एक सत्र हुआ, जो बहुत लंबे समय तक चला क्योंकि बहनों को बहुत जिज्ञासा थी और उनको वो समझ रही थी कि अगर हमारी संस्था पुरानी नहीं है तो भी हमें काम मिल रहा है, अगर हम कुछ
खुद कुछ करना चाहते हैं और नया कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, नया कोई स्किल डेवलपमेंट का विषय लेके हम करना चाहते हैं, तो उसको भी मान्यता मिलती है। इसका बहनों को बड़ा आश्चर्य लग रहा था और काफ़ी समय तक ये जिज्ञासा का हमारा सत्र चला। उसी के साथ साथ कौशल विकास का उद्देश्य एवं महिला सशक्तिकरण की संभावना एवं सरकार की तरफ से क्रियान्वयन, इसके बारे में भी हमने बहुत अच्छी तरह से जानकारी ले ली। मुझे लगता है कि इस कार्यशाला से हमारी सभी बहनें बहुत प्रभावित हैं और सभी बहनों ने निश्चय किया है कि अपने अपने क्षेत्र में जाकर वो इस विषय को चालना देगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं और जिस तरह से वो चाहते हैं कि हमारी बहनें सिर्फ होम मेकर के रूप में ना रहते हुए वो बिल्डर नेशन के रूप में सबके सामने आए, ये करने के लिए महिला मोर्चा कटिबद्ध रहेगा, बहुत अच्छी तरह से काम करेगा। इसके लिए मैं आपको आश्वासित करती हूँ। और आपने इतना अच्छा समय हमें दिया, आपने मार्गदर्शन भी किया और पूरा सहयोग दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत पूरी समस्त महिला मोर्चा की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और इतना ही कहती हूँ कि जो आशा आपने हमारे साथ रखी है उसको हम पूरा करेंगे। देश के कोने कोने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इसी योजनाओं को लेकर जाने के लिए, महिलाओं के पास लेकर जाने के लिए हम कटिबद्ध रहेंगे। इतना ही आपको कहते हुए मेरे वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।